बस अब बहुत हो चुका है, अब मज़ीद जो है ना यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बनाऊंगा। क्या मेरी तरह आप लोगों के भी माइंड में इसी तरह के सवाल आते हैं कि जब आप व्यूज़ को देखते हैं तो व्यूज़ आपके नहीं आ रहे होते और आप लोग यही सोचते हैं कि बस यूट्यूब पर अब बहुत काम कर लिया, अभी यूट्यूब को क्विट करना चाहिए। तो आज की वीडियो इस रिलेटेड है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इज़्ज़तदरान व्लॉग। सबसे पहले अपनी सुनाए क्या हाल चाल है, सब ठीक हो, खैर खैरियत से हो, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है ना मैं बैठा और मैंने देखा कि यूट्यूब पर काफ़ी लोगों को व्यूज़ का मसला है, मुझे भी है, आप लोगों को भी है जो मुझे इस वक्त इस वीडियो पर जो लोग आप न्यू आए हो आप लोगों को भी व्यूज़ का मसला है और मुझे भी है। तो मैंने कहा कि क्यों ना चले इस रिलेटेड सर्च की जाए और देखा जाए कि क्या मतलब हम लोग क्या ऐसा नहीं कर रहे जो हमारे वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे और जो मतलब बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े से वायरल हैं, उन लोगों के मतलब हर वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं और हमारे वीडियोस पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। हम भी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अच्छे तरीके से उसको एडिट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से उसको अपलोड कर रहे हैं, हर चीज़ हमारी परफेक्ट होती है, लेकिन हमारे व्यूज़ होते हैं 50-100, इससे ज़्यादा हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ते। तो इसमें असल वजह क्या होती है, तो मैंने आज सर्च किया और काफ़ी टाइम मैंने जो है ना वीडियोस देखी, टेक यूट्यूबर्स की देखी, व्लॉगर्स की देखी और इस तरह मतलब जो भी यूट्यूबर जिस फील्ड में था, गेमिंग चैनल से रिलेटेड, हर चीज़ की मैंने एक एक करके वीडियोस देखी और मैंने कहा क्या ऐसी वो चीज़ है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं। तो मैंने जो है ना दो चीज़ें नोट की जो हम लोग नहीं कर रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं। उस दो चीज़ों में एक नंबर वन पे है फेक कॉन्टेंट और नंबर टू पे है मतलब रियल टाइम कॉन्टेंट, रियल कॉन्टेंट। तो आप सोच रहे होंगे फेक कंटेंट क्या है और रियल कंटेंट क्या है, तो मैं सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो बड़े यूट्यूबर्स और जिनके व्यूज़ लाखों में मिलियंस में आ रहे हैं वो असल में करते क्या है, थंबनेल से लेकर मुकम्मल जो वीडियो है आप लोगों को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करने के लिए फेक मटीरियल उसमें यूज़ करते हैं, थंबनेल में फेक चीज़ें लेकर। हालाँकि उनके कॉन्टेंट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो बंदा देखे और कहे कि ये थंबनेल से मैच हो रही है, थंबनेल भी वो और चीज़ बता रहे होते हैं, फेक बता रहे होते हैं और असल में जो है ना उसमें उसी व्लॉग्स में मुकम्मल वीडियोस में या किसी भी उसकी मुकम्मल वीडियोस देखे उस तरह की कोई बात नहीं होती और वो जो है ना थंबनेल में बता रहे होते हैं कि हम जो है ना ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फलां हो गया फलां हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और एक होता है रियल कॉन्टेंट जो हम लोग दे रहे होते हैं, मतलब रियल बात कर रहे होते हैं जो हमारे साथ होता है, मतलब वो हम बता रहे होते हैं। हमारे कॉन्टेंट में असल में मसला ये होता है कि हम रियल चीज़ बता देते हैं जो कि ऑडियंस को इतनी इंटरेक्ट नहीं करती हूँ, रियल चीज़ सिंपली हम लोगों की जैसे व्लॉग्स बनाता हूँ सिंपली मैं अपनी रूटीन बताता हूँ। और इसी तरह अगर मेरे कैटेगरी में बड़े यूट्यूबर्स को देखें तो वो मेरी ये जो चीज़ होती है जो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ उसी 7-10 मिनट का उनका व्लॉग्स होता है और वो झूठ बोलकर मतलब झूठ बोलकर अपने ऑडियंस को अपनी तरह अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह गोल मटोल करके उस तरह बोलते हैं जैसा कि ये कॉन्टेंट वो रियल दे रहे होते हैं। तो दो कॉन्टेंट की वजह से हम लोग फ्लॉप हैं, वो लोग कामयाब हो रहे हैं। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आप फेक कंटेंट अपनी ऑडियंस को फेक तरीके से मतलब अपनी तरफ इंगेज रखना चाहते हैं या रियल टाइम पे। आप ये नहीं हो सकता कि जब आप देखें कि फेक कंटेंट से ही आप वायरल होगे, आप रियल कंटेंट को भी इस तरह आप रिप्रेजेंट करें कि जैसा कि ऑडियंस को पसंद है, सिंपल कंटेंट हो लेकिन उसको भी आप अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करके व्यूज़ ले सकते हैं। लेकिन जो असल जो बड़े ज़्यादा व्यूज़ जो लोग ले रहे हैं वो फेक कंटेंट देकर यूट्यूब पर ले रहे हैं। तो मैंने जो सर्च किया, जो मुझे पता लगा है, जो मैंने आज मतलब पूरा दिन इसको देखा कि मैंने कहा चले इस पर एक वीडियोस बनानी चाहिए और मेरा व्लॉग से रिलेटेड चैनल है तो मैंने कहा इसी तरह के एक वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करें, शायद हो सकता है मेरी इस वीडियो से आप लोगों को जो है ना काफ़ी मोटिवेशन मिले और हो सकता है आप लोग जो है ना इस वीडियो को देखकर हो सकता है आप अपने चैनल पर दोबारा काम शुरू कर दें और कॉन्टेंट्स को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और दो तरह के कॉन्टेंट होते हैं, आप ट्राई कर लें, जब फेक कॉन्टेंट आप देखो, फेक थंबनेल लगाओगे, उस पर फेक कुछ चीज़ें लिखोगे तो आपकी जब वीडियो CTR बढ़ेगा, लोग उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी वीडियो रैंक करेगी। जब आपकी एक वीडियो रैंक करेगी उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी मजीद वीडियो भी रैंक करेगी और आपका चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये आप पर डिपेंड करता है कि आप फेक टाइम कॉन्टेंट देना चाहते हो या रियल टाइम देना चाहते हैं। अगर रियल टाइम में भी आप मेहनत करें तो रियल टाइम में भी आप मतलब ग्रो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फेक कंटेंट देकर यूट्यूब पर वायरल हो रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और आप लोग भी अपनी जो आपके माइंड में बात है वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। मैंने कहा चले
आज की वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को मोटिवेट हो जाओगे, आप लोग जो है ना काफ़ी आप लोगों की स्ट्रगल स्टोरी होगी, हर बंदे की डिफरेंट स्ट्रगल स्टोरी है यूट्यूब पर। किसी को 2 साल हो गए तो किसी को 4, किसी को मतलब 5-5 साल हो गए यूट्यूब पर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। उसकी मेन वजह यही थी कि रियल कंटेंट और फेक कंटेंट का उसमें मसला आ रहा है, जो कि मैंने सर्च किया और मैंने टैक्स लेकर व्लॉगर सब की वीडियोस देखी, तो मैंने तो ये नोट किया कि आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलता हूँ इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डेली व्लॉगिंग के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।